दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे मोटिवेशन हिंदी स्टोरी में। तो आज की कहानी का टाइटल है ना खत्म होने वाला रास्ता, यानी कि मुर्दों का रास्ता। दोस्तों तो दोस्तों कहानी को स्टार्ट करते हैं। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सबको रास्ता तय करना ही होता है, और सफर के बाद मिलने वाली मंजिल अगर मनचाही हो तो उसकी बात ही कुछ और है। और क्या होगा अगर सफर खत्म ही ना हो, क्या होगा अगर रास्ता अनंत हो, क्या होगा अगर आप उस रोड पर निकल पड़े हो जो रास्ता आपकी मौत की ओर ले जाता हो। हम चलते हैं ना खत्म होने वाली सड़क की तरफ। दोस्तों तो विनय और उसके साथ दोस्त अमीर बाप के बिगड़े हुए लड़के थे। उन्हें ना गरीबों की परवाह थी और ना ही किसी का फिक्र था। उनका जो मन करता था वह करते थे, उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं था। लेकिन कभी ना कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आता जरूर है, कभी जल्दी तो कभी देर से। दोस्तों एक दिन रात में विनय और उसके साथ दोस्त पास के ही एक गांव में चले गए। गांव में गरीबों के पास अपने मुर्दों को गाड़ने की जगह भी नहीं थी, इसलिए उन्हें गांव के सड़क के किनारे गाड़ दिया जाता था। इसी सड़क के किनारे एक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि हमें आराम से सोने दो, हम आपको आराम से सोने देंगे। जब विनय और उसके साथ दोस्त वहां पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने बोर्ड निकाल फेंका, और फिर जिंदा इंसानों की इज्जत ना करने वाले इन लफंगों के एक जुट ने मुर्दों के साथ भी यही सुलूक शुरू कर दिया। कोई कब्र पर रखे फूलों को फेंकने लगा तो कोई कब्र पर बैठकर शराब पीने लगा, कोई कब्र पर रखे पत्थर को फेंकने लगा तो किसी ने कब्र के ऊपर पेशाब कर दिया। जब इन गिरी हुई हरकतों से इनका मन भर गया तो वह आगे बढ़ गए। अभी तक जो हुआ वह विनय और उनके दोस्त ने किया, पर अब किसी और की बारी थी। दोस्तों सारे दोस्त उसी रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी उनमें से एक को महसूस हुआ कि बहुत देर हो गई है पर आगे कुछ आ ही नहीं रहा है। उन्हें ये लग रहा था कि उसी रास्ते पर वह गोल गोल घूम रहे हैं और वह कब्र पर बार बार उनके सामने आ रही है। तभी उनमें से एक बोला, दोस्त यार विनय, तुझे ये नहीं लगता कि हम यहाँ से पहले भी गुजर चुके हैं? तो विनय बोलता, क्या बकवास करता है, लगता है तुझे ज़्यादा चढ़ गई है। 2-3 घंटे और चलने के बाद एक दोस्त की नज़र उसकी घड़ी पर जाती है। उसकी घड़ी पर 7 बज रहे थे और ये 7 बजे तो नहीं हो सकते, मतलब ये सुबह के 7 बजे हैं। और वो सब इस बात को समझ जाते हैं कि ना तो ये रोड खत्म हो रही है और ना ही रात। वो रास्ते पर थके हारे चल रहे थे, तभी उनके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। दोस्तों उसके बालों से उसका पूरा मुंह छुपा हुआ था, केवल उसकी एक लाल आंखें नजर आ रही थी। इससे पहले वो डर के मारे भागते, वो बोली, चुड़ैल हमने कहा था न कि हमें सोने दो, कहा था न हमने। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में रखा एक भाला सारे दोस्तों की तरफ फेंका, उनमें से एक के सीने में आकर लगा और उसकी मौत हो गई। घर से 8 निकले थे और अब वे केवल 7 ही बचे। वह वहां से भागने लगे, तभी उनके सामने एक पिशाच आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर ना तो कान था और ना ही नाक था, उसके एक आंख था और एक मुंह था। तभी वह पिशाच बोला, हमने कहा था न कि हमें सोने दो, कहा था न। तभी वह पिशाच अपने दोनों हाथ ऊपर किए और देखते ही देखते उसके आसपास के पेड़ उखाड़ने लगे। वह पेड़ आकर उन दोस्तों के ऊपर गिर पड़े। इन सबके बीच 3 और दोस्त की मौत होगी। दोस्तों और अब इनमें केवल 4 लोग बचे हुए थे। चारों दोस्त तुरंत वहां से भागने लगे। सब लोग थके हुए थे और पीने के लिए पानी भी नहीं था, और रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और ना ही वह रास्ता खत्म होने का नाम ले रहा था। दोस्त विनय, हमने इन लोगों को सोते हुए परेशान करके अच्छा नहीं किया, ये हमसे इसी बात का बदला ले रहे हैं। विनय बोला, हाँ हाँ, इतना तो हर बेवकूफ को समझ आ ही गया होगा कि ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई सलूशन बताओ, नहीं तो मुंह खोलकर ऑक्सीजन वेस्ट मत करो। इतने में ही उन्होंने देखा कि रोड में एक गड्ढा हुआ है और उनमें से एक दोस्त गड्ढे में जा गिरा। अब 3 दोस्त बचे थे। तभी उनमें से एक दोस्त बोला, दोस्त क्यों ना हम अपनी गलती सुधारें, हमने जो कुछ भी किया उन कब्रों का किया, अगर हम लोग उसे ठीक कर देते हैं तो शायद हमारी जान बच जाएगी। विनय बोला, बिल्कुल ठीक कहते हो, चलो। यह कहकर वो तीनों आपस में उसी कब्र की तरफ चले गए और वे जो फूल उन्होंने फेंके थे वापस उसी कब्र पर रख दिए, जो पत्थर उन्होंने फेंका था वो वापस वहां पर लगा दिया, जो शराब की बोतल कब्र पर रखी थी वह वहां से हटा दिया, और जिस कब्र पर पेशाब किया था उसे भी उन्होंने साफ कर दिया। वे ये सब कर रहे थे तभी आसमान से एक चुड़ैल उड़ती हुई आई और एक को ले गई। अब 2 ही बचे थे। दोस्त अब हम क्या करें?
करें, बिना हमने तो सब कुछ सुधार दिया तब भी कुछ नहीं कर फर्क पड़ रहा है। बिना बोला, रुको, तुम्हें याद है सबसे पहले हमने वो बोर्ड निकाल कर फेंका था। दोस्त बोला, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आओ उसे ठीक करके वापस लगा दिया जाए। यह कहकर दोनों वापस में बोर्ड वापस लगाने लगे। उनके सामने वही चुड़ैल और पिशाच आ गए और उनकी तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर वह दोनों और तेज बोर्ड को पुरानी जगह पर गाड़ने लगे और इसके पहले ही चुड़ैल और पिशाच उनके सामने पहुंचते उन्होंने बोर्ड को पुरानी जगह पर अच्छे से लगा दिया और देखते ही देखते चुड़ैल और पिशाच दोनों गायब हो गए। और अब धीरे धीरे आसमान से अंधेरा जाने लगा और सुबह हो गई। बचे हुए दोनों दोस्त अपनी गाड़ी में बैठकर भाग गए। अब इन सोते हुए लोगों को दोबारा कोई परेशान नहीं करता है। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं ताकि हम ऐसे ही कहानी आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों जय हिंद।